पंजाब विच पंजाब बीजेपी की हालत उस विशेष प्राणी वाली बनी हुई है जिस बारे कहावत मशहूर है कि ना वह करदा ते ना ही काटदा। पहला ही बीजेपी दे फिरकू चेहरे करके पंजाबी बीजेपी तो बराबर दूरी बना के चल रहे सन। पूरे मुल्क विच झुली मोदी वेव पंजाबियों ने नकारी सी, पर हुण सत्ता दे नशे विच मगरूर मोदी सरकार दे फैसलियां ने खेतीबाड़ी बहुल सूबियां विच बीजेपी दीआं जड़ां विच तेल पाउण दा काम कीता है। खासकर पंजाब विच अद्धो अध सीटां ते चोण लड़न दे दमगजे मार रही बीजेपी का सियासी तरातल हुण पूरी तरह खिसकदा नजर आ रहा है। पंजाब विच तां हुण सूरते हाल यह है कि बीजेपी आगुआं ते वर्करां दा बाइकाट हो रहा है। पंजाब विच कुछ सिख चेहरे अगे करके पेंडू इलाकियां विच अपना आधार मजबूत करन दे जुगाड़ विच बीजेपी दीआं कोशिशां ते मोदी सरकार दे इस फैसले ने मुकम्मल तौर ते पाणी फेर दिता है। इस तों बीजेपी दी पंजाब दी लीडरशिप भली भांत वाकफ है, पर साहिब दे हुकम ने पाणा मन के चुप हन ते किसान ऑर्डिनेंस दे विरोध विच मशरूफ हन। सूरत हाल यह है कि पंजाब विच संगरूर विच ऑर्डिनेंस दे हक विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करन आए बीजेपी आगुआं नूं नारेबाजी करके मोड़ दिता गया। मानसा विच आड़ती एसोसिएशन ने तां बीजेपी आगुआं ते वर्करां दा मुकम्मल बाइकट कर दिता है, उन्हां नाल रोटी बेटी दी सांझ वी मुका दित्ती है। इस दरमियान गुरदासपुर तों बीजेपी दे मैंबर पार्लीमेंट सन्नी देओल नूं घेरिया जा रिहा है। सन्नी देओल दे किसान ऑर्डिनेंस दे हक विच आए फैसलियां ते सोशल मीडिया ते सन्नी देओल दी चंगी खासी लहणत मुलम्मत हो रही है। असल च पिछले साल लोक सभा चोणां च केंद्र विच अपने दम ते सरकार बनाउण वाली भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ पूरे देश विच कौमी जमहूरी गठजोड़ NDA च शामिल निक्कियां सहयोगी पार्टियां नूं ठिठ करन च लग पई सी, सगों पंजाब विच तां अकाली दल नाल ही सिद्धा आडा लाउंदे होए पंजाब दे भाजपाई अद्धो अध विधान सभा सीटां दे चोण लड़न दे दावे ठोकन लग पए सन। पर समें दी खेड वेखो, उधर लोक सभा ते राज सभा विच खेती ऑर्डिनेंस दे बिल पास होए कि इधर खेती आधारित सूबियां खासकर पंजाब अते हरियाणा च भाजपा दे आधार नूं यकदम वड्डा खोरा लगना शुरू हो गया। भाजपा पंजाब विच तां पहलां ही औखे साह लै रही सी, हुण पार्टी दी हालत होर पतली हुंदी जाण लग पई है। पिछलियां विधान सभा चोणां च पार्टी अकाली दल नाल गठजोड़ च अपने हिस्से आउंदियां 23 सीटां ते चोण तां लड़ी, पर पार्टी दा ना सिर्फ वोट फीसद 1.8% डिग्गिया, सगों मसा 5.4% सीट शेयर सिर्फ 2.6% ते जा पहुंचिया, सगों सीटां भी सिर्फ 3 ही पल्ले पईआं। हालांकि लोक सभा चोणां विच पार्टी ने 4 सीटां ते चोण लड़ी, जिस चो 2 सीटां उसदी झोली विच पईआं, पर फिलहाल मौजूदा दौर ने बीजेपी दीआं सदरां ते पाणी फेर दिता है। पंजाब विच जड़ां लगाउण दी अपनी कोशिशां विच लगी बीजेपी लई इह फिलहाल बुरा दौर चल रहा है। ग्लोब एडवाइस ओवरसीज एजुकेशन ते इमीग्रेशन कंपनी हैगी है, सानू 35 साल का एक्सपीरियंस है। असी बच्चों नू उन्हां दे प्रोग्राम सिलेक्शन ते स्कॉलरशिप्स विच हेल्प करने हैं। असी बच्चों नू अप टू 50 लाख तक स्कॉलरशिप्स लैके दित्तियां हुई ने। असी बच्चों के वीज़ा LORs SOPs हेल्प करने हैं, ते पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज विच एयरपोर्ट पिकअप ते उन्हां दी टेंपरेरी अकोमोडेशन दा इंतजाम भी करने हां। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।